फ्रेंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। क्लास स्टार्ट हो चुका है, कंटिन्यू कीजिएगा। सीजीपीएससी व्यापम में पूछे गए प्रश्न देखेंगे जो हाल ही में पीएससी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और कल हमने पार्ट वन का वीडियो देख चुका है, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, कंटिन्यू कर लीजिएगा। कल की जो वीडियो था आपका व्याकरण से था, ठीक है। आपके सीजीपीएससी व्याकरण में जैसे कि आभूषण है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आभूषण व्यंजन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो वो क्लासेस मैं करा चुका हूँ पार्ट वन में। वो वीडियो आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीजीपीएससी व्यापम का जो पेपर होने वाला है आपका 12 फरवरी को, यानी कि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो हाल ही में देखेंगे कि सीजीपीएससी में जो पूछा गया प्रश्न पहले देख लेते हैं, उसके बाद व्यंजन और आभूषण से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है। सो फ्रेंड्स क्लास कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का जो लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पढ़ते जाऊंगा तो आपको टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपको आंसर कराते जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, सीजीपीएससी में, और व्यापम में बिल्कुल 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। तो देखिए, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान किसे किसके लिए प्रसिद्ध है। जो गुजरात के जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका आंसर ए होगा, शेर है ना, जो शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर डी बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, यानी कि देखिए मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यानी कि 118 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सीजीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पीएससी एग्जाम में पूछा गया है हाल ही में, और ये आपके मिक्सिंग क्वेश्चन है। इसके बाद हम आभूषण और व्यंजन से क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम पूछे ही जाएंगे, संभावना है 70% की, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं महासमुंद जिले का रहने वाला हूँ और मैं ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस करवाता हूँ, ठीक है। तो जो लोग व्यापम की तैयारी या फिर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास है। जो लोग व्यापम की तैयारी करना चाहते थे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पीएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो लाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कुल अस्थियाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती है। मानव शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक है, कितनी, 206 हड्डियाँ। आप बताइएगा कि देखिए 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं। देखिए, मैं आप सभी को पहले ही कहा था कि जो सीजीपीएससी हाल ही एग्ज़ाम हुआ है उनके द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर पूछा गया 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो आप बताइएगा 75, यानी कि 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं किसको, 2022 में भारत की जो स्वतंत्रता है उसको, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर भारत के कितने विश्व कप जीते हैं। भारत ने क्रिकेट में कितने विश्व कप जीते हैं, 2, याद रखिएगा, 2 विश्व कप जीते हैं, है ना। मैं इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि देखिए 12 फरवरी को आप सभी के लिए पीएससी प्री का एग्ज़ाम है इसीलिए, और साथ ही व्यापम की जो तैयारी कर रहे हैं जैसे एसआई भर्ती हो गया या फिर हॉस्टल वाड़ाना या फिर है ना ये जो एडियो है ना, उसके लिए बेस्ट क्लास है, ठीक है। ये मिक्सिंग क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछता है। तो देखिए, अब देखिए 44वां चेस ओलपन का आयोजन कहाँ हुआ था, ये एग्ज़ाम में पूछा है, इसका आंसर बहुत लोगों ने नहीं बनाया था, तो इसका आंसर ए होगा आपका, चेन्नई, ठीक है। जो 44वां जो चेस ओलंपिक का आयोजन हुआ था आपका चेन्नई में हुआ था। और देखिए इसका जो आंसर है, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि इसका आंसर, तो इसीलिए मैं लाया हूँ, यह क्वेश्चन है ना, इसका आंसर सभी लोगों ने मुंबई दिया था, ठीक है, बी दिया था, जबकि बी नहीं है, ये ऑप्शन ए होगा, चेन्नई, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर भारत में कमल मंदिर यानी कि लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है, तो इसका भी आंसर बहुत लोगों ने पूछा था कि सर इसका कमल मंदिर जो दिया था इसके लिए डाउट था, तो लोटस के नाम से आप देखिए, मैं आपको ऑब्जेक्टिव में देखिए यहाँ पर बता दिया हूँ कि लोटस टेम्पल यानी कि आपका दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में स्थित है, कहाँ है, दिल्ली में, इसको याद रख लीजिएगा। भारत में जो कमल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है लोटस टेम्पल को, किसके नाम से, लोटस टेम्पल को कमल मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी को कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जाइएगा एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या लिया था मैंने, दिल्ली, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए, जो लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक जरूरी सूचना,
देखिए वीडियो को ऑल पर जरूर सेट करना है ना, मैं जब भी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को ऑल पर सेट जरूर करना, क्योंकि मैं जब भी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। और ये आपका पार्ट टू वीडियो है, ठीक है। पार्ट वन वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका बताइएगा, एक लीप वर्ष में एक वर्ष होता है लेकिन कितना दिन होता है, लीप वर्ष पूछा गया है। सभी लोगों ने कमेंट करके बताया था 365 दिन, और ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पूछा गया लीप वर्ष, है ना, क्या पूछा है, लीप वर्ष पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत लोगों ने आंसर देखिए बी डाला है, 70% लोगों ने आंसर बी डाला है, जबकि यहाँ पर लीप वर्ष पूछा गया है। तो लीप वर्ष आपका होगा 366 दिन का होता है, ठीक है। लीप वर्ष एक दिन बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है लीप वर्ष में, ठीक है। अगर साधारण वर्ष पूछता तो आप बताते 365 दिन, ठीक है, साल में 365 दिन होता है साधारण वर्ष में, लेकिन पूछा क्या गया है लीप वर्ष का मतलब होता है एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, और इनका भी आंसर बहुत लोगों ने खेल दिया था, जबकि देखिए खेल इसका आंसर नहीं होगा। जो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के लिए दिया जाता है, किसके लिए, फिल्म के लिए। हाल ही में जो फिल्म पुरस्कार दिया गया है उसी के लिए ऑस्कर पुरस्कार क्षेत्र दिया जाता है, ठीक है। हमेशा अगर याद रखिए जो ऑस्कर होता है हमेशा फिल्मी दुनिया के लिए दिया जाता है, ठीक है, ओके। चलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, देखिए बहुत लोगों ने आंसर गलत दिया है, ये जो यमुना नदी लिख दिया है, जबकि यमुना नदी नहीं है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है, जो उत्तर की ओर बहती है, ठीक है। किस दिशा में बहती है, उत्तर की ओर, ठीक है, याद रखिएगा। भारत जो उत्तर की ओर बहती है, और जो नर्मदा नदी है आपका पश्चिम दिशा की ओर बहती है, ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। हाँ चलिए आप कमेंट करके बताइएगा यमुना नदी कौन सी नदी है और कौन से किनारे तट पर है। बिल्कुल सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है, ये बिल्कुल नर्मदा नदी पर है, अभी आपको बताया सरोवर डैम, और पूछा हूँ कि नर्मदा नदी आप पश्चिम दिशा में बहती है और सरदार सरोवर है ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये बताइएगा जो जनजाति समुदाय से आने वाली भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस के पूर्व किस प्रदेश की राज्यपाल थी, और सभी लोगों का आंसर एकदम सही आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सी को आंसर दिया गया है 90% दिया गया है कि जनजाति जो समुदाय से आने वाली भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस विश्व के पहले जो प्रदेश के जो राज्यपाल थी वो आपका झारखंड, कहाँ की राज्यपाल थी, झारखंड की राज्यपाल थी। आप देख सकते हैं इसको मैं पूरा दिखा देता हूँ कि जो झारखंड है वो राज्यपाल थी, कहाँ की, झारखंड, ठीक है, राज्यपाल कहाँ से, द्रौपदी मुर्मू जो हाल ही में राष्ट्रपति हैं, ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। और आप सभी बताइएगा कि हाल ही में अभी उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, उपराष्ट्रपति कौन बने, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा उपराष्ट्रपति कौन है। आप सबको बताया कि जो ऊपर यहाँ पर जो राष्ट्रपति बने द्रौपदी मुर्मू जी है, लेकिन आपको मैं क्वेश्चन करके बताया हूँ कि उपराष्ट्रपति कौन बने, इसका कमेंट में जल्दी बताइएगा क्या आएगा, उपराष्ट्रपति कौन है, इसका आंसर डी होगा 17। COVID-19 सर्वप्रथम कहाँ पाया जाता है, चीन के वुहान में, चीन के वुहान में, हाँ बिल्कुल मिक्सिंग क्वेश्चन आपके CGPSC में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ये सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए टाइमिंग की बात करें तो कल के जो वीडियो देखा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं टाइमिंग बताता हूँ, 7:30 बजे या फिर 8:30 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, ठीक है। आप चाहे 7:30 बजे देखें या 8:30 बजे, ठीक है, कंटिन्यू करेगा, बिल्कुल कम समय बचा हुआ है आपके पास, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रसिद्ध सिरपुर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, जो सिरपुर मंदिर है आपका महानदी के किनारे स्थित है, कहाँ, महानदी, बिल्कुल राइट आंसर है महानदी, है ना। और जो भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ, भारत का जो संविधान है आप सभी को मालूम है, भारत का जो संविधान, इसको कमेंट करके बताइएगा कब लागू हुआ है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहाँ पर, हाँ इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कौन सा, 1947, 1949, 1950 से 1952, ये तो बिल्कुल गलत आंसर आ गया, और ये भी बिल्कुल गलत आंसर आ गया। तो सबसे पहले ए और बी, ए और सी में डाउट है सभी लोगों को, तो देखिए डाउट नहीं होना चाहिए ना यहाँ पर। भारत का जो संविधान कौन से वर्ष लागू किया है, आंसर सी आ गया है, ठीक है बिल्कुल सही है, 1950 में। हाँ ये बताइएगा मारो फिरंगी किसका नारा है, देखिए इसका जयप्रकाश नारायण दिया था आंसर, जबकि ये आंसर नहीं होगा।
भगत सिंह भी नहीं होगा। ये देखिए मारो फिरंगी को किसका नारा पूछा गया, तो मारो फिरंगी आपका मंगल पांडे आएगा। ठीक है, क्या आएगा? मंगल पांडे आंसर सी होगा। ओके राइट, बिल्कुल सही है। ये आपके एग्जाम में हाल ही में और पूछा गया था व्यापम का। तो देखिए प्रसिद्ध जलाशय खुटाखाट प्रदेश किस जिले में स्थित है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है तो आप डायरेक्ट बिलासपुर लगाइएगा। क्या लगाइएगा? बिलासपुर। क्योंकि देखिए कभी भी एग्जाम में आप देखो कोई खुटाखाट एग्जाम, एक मिनट ना, ये मैसेज बार बार क्यों आ रहा है? अच्छा नेट के नाम से, अच्छा ओके कोई बात नहीं। चलो देखिए जो खुटाखाट बांध है वो हमेशा प्रसिद्ध जलाशय रहता है, बिलासपुर जिले में ही आता है। ठीक है, हमेशा अगर कभी भी खुटाखाट पूछा जाए ऐसे ही डायरेक्ट आप बिलासपुर लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। ये देखिए अब क्वेश्चन बंद हो गया यहाँ से, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको पूछा गया था। चलिए ठीक है ना, चलिए सब मैथ्स का क्वेश्चन इसका कल करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए आभूषण से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आभूषण और व्यंजन से क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन हम कल देखेंगे पार्ट थ्री में, पार्ट थ्री में कल देखेंगे। और पार्ट वन और पार्ट टू का ये जो क्लासेस में कल बताया था वो आपका आभूषण के कंप्लीट हो चुका था, व्यंजन से क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स आ जाइएगा, पीएससी व्यापम में पूछा गया है व्यंजन से। ठीक है, तस्मई का मतलब होता है खीर, क्या होगा? तस्मई का मतलब होता है खीर। देखिए कौन सा छत्तीसगढ़ के मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसिद्ध के रूप में वितरित किया जाता है? ये देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये व्यंजन से, ये 10 क्वेश्चन देखेंगे व्यंजन से, 10 क्वेश्चन देखेंगे खाने पीने के चीज़ से, आपके पीएससी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन से एग्जाम में? पीएससी में 3 से 4 नंबर यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मैं आप सभी को बताया था कि कौन सा है जो छत्तीसगढ़ में मिष्ठान है ना, यानी कि मिठाई, राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। प्रसाद के रूप में पीड़िया, क्या है? पीड़िया। राजीव लोचन मंदिर में ये प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ठीक है, आपका पीड़िया आएगा। किस त्यौहार में पसहर चावल का उपयोग करना अनिवार्य होता है? तो ये अब आएगा कमच्छट। कमच्छट में देखिए बच्चों लोगों के लिए उपास रहते हैं ना, इसी को बोलते हैं कमच्छट। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का व्यंजन नहीं है तो आप बताइए कौन कौन सा नहीं है? ठेठरी, पपची, पूरनपुरी, देहरोरी। तो देखिए इसका आंसर सी होगा, जो कि पूरनपुरी है ये आपका व्यंजन नहीं है। ठीक है, क्या है? तो व्यंजन नहीं है, ठेठरी, पपची और देहदोरी रोरी है ना, ये आपका व्यंजन है। देखिए ऐसा व्यंजन जो खीर, जहाँ कभी भी खीर पूछा जाएगा डायरेक्ट तस्मई कहना, तस्मई का मतलब होता है खीर, छत्तीसगढ़ी में तस्मई कहा जाता है, हिंदी में उनको खीर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन किया है कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है खीर की तरह पकाया जाता है? तो खीर की तरह किसको पकाते हैं भाई? खीर को ही पकाएंगे ना, तस्मई होता है जो कि चावल और दूध से बनता है। ठीक है, फरम उठिया निम्न में से किससे बनाते हैं? जो फरम उठिया होता है चावल के आटे से बनाया जाता है। आप सभी को मालूम होगा किन लोगों ने फरा खाया, जल्दी से बताइएगा किन किन लोगों के यहाँ फरा बनता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि फरा जानते हो ना खाने का। हाँ बिल्कुल सही है, फरा किन के यहाँ बनाया जाता है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल सही है, सभी के यहाँ बनता है अक्सर। चलिए छत्तीसगढ़ी व्यंजन में पपच का स्वाद कैसा होता है? जो पपच नहीं है पपची है, ठीक है पपची, ठीक है पपची का स्वाद कैसा होता है? तो मीठा होता है, ठीक है खारा नहीं होता भाई। यहाँ पर देखिए नमकीन लिख दिया है, नमकीन कैसा होगा? यहाँ पर नमकीन होगा नहीं, यहाँ पर मीठा ही होगा। ओके, छत्तीसगढ़ व्यंजन का फर्क किसके त्यौहार में मनाया जाता है? तो देखिए छत्तीसगढ़ व्यंजन फर्क किसके तैयार होता है? चावल के आटे से तैयार होता है, पूछा त्यौहार नहीं बोला है, तैयार किया जाता है। ठीक है, खुरमी किसके आटे से बनाया जाता है? खुरमी आप सभी को मालूम है ना, जो खुरमी बनाया जाता है गेहूं के आटे से बनाया जाता है। ठीक है, किसको बनाया जाता है? गेहूं के आटे से खुरमी बनाया जाता है। और चावल से क्या बनाया जाता है जल्दी से बताइएगा, क्या आएगा? चावल से आपका चौंसेला, किसके यहाँ बनता है चौंसेला? हाँ बिल्कुल बताइएगा, चौंसेला, चावल से बनाया जाता है चौंसेला। ओके चलिए आज के लिए इतना ही, टोटल 10 क्वेश्चन किए। ठीक है, पार्ट टू वीडियो ख़त्म, और पार्ट थ्री वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, कल आने वाला है। ठीक है, और पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में क्या पता रिपीट हो सकते हैं। ओके चलिए आज के लिए इतना ही, पार्ट थ्री वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको बताया था ना ये मुहावरा
मुहावरा से, लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोकोक्ति मुहावरा है ना, पर्यायवाची शब्द, तो ये कल की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। पर्यायवाची शब्द देखेंगे, लोकोक्ति है ना, मुहावरा, या आपके पीएससी एग्जाम में पूछता है। पीएससी एग्जाम में तो हर सबसे ज़्यादा पूछता है, कम से कम 4 से 5 नंबर से वहीं से पूछ लिया जाता है। तो चलिए ठीक है, कल देखेंगे। अगर जो लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर